हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड ये जो आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज चल रही है, ये उसका सेवेंथ पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी की कितनी सैलरी और कितने पर्क्स हैं। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करें। देखिए, एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, नहीं क्रैक कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। ठीक है, एक बेसिक सी बात यह है कि कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, आप पढ़े हुए हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको पूरा कर रहे हैं, तो डेफिनेट आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप क्रैक भी कर सकते हैं। कुछ लोग के कमेंट है कि अगर 10th में या 12th में 60% से कम मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कम है, तो फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं? फिलहाल वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक सभी एग्जाम्स में आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। एंड प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है। देखिए, जिस हिसाब से सैलरी एंड पर्क्स हैं, उस हिसाब से एग्जाम भी थोड़ा सा टफ है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खुद से प्रिपेयर कर लें, घर में आप 4 घंटे पढ़ लें, या आप एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लें और आपका ये एग्जाम निकल जाए और आप इतनी अच्छी जॉब पा जाए। इसके लिए आपको जरूरत होगी प्रॉपर मेहनत की, 5-6 महीने की मेहनत, और साथ में एक अच्छे गाइडेंस की, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की। गाइड आपको अच्छा कहाँ मिलेगा? अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगा। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वंस अगेन मैं यही बोलूंगा कि मेरी नज़र में एडुटैप है जो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है, EDUTAP। इस कोचिंग पे आप ज्वाइन करिए। पहले आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि नहीं, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए और इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 अटेम्प्ट्स देने चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करके। इस वीडियो के जो कंटेंट सीरीज में 8 थे वीडियो, जिसकी वजह से आज 7th पार्ट है। लास्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। 7th पार्ट है सैलरीज एंड पर्क्स दैट यू विल गेट आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, एडुटैप कोचिंग की यहाँ पर मैं बात कर रहा था। तो जब आप वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है एडुटैप का, वहाँ सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर आपका जो लिंक दिया हुआ है एडुटैप का, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद साइन अप करिए। साइन अप करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री कोर्स मिलेगा, फ्री वीडियोस मिलेंगे कुछ, उनको आप देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि उनका जो मटेरियल है वो कैसी क्वालिटी है, पढ़ाने का तरीका कैसा है। और अगर आपको उनका तरीका अच्छा लग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेहतर कोचिंग है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल बाकी कोचिंग से कंपैरिजन में मुझे बेटर लग रही है ये कोचिंग। और अगर आपने आरआरबी का या आईबीपीएस का या एसबीआई का एग्जाम देते आ रहे हैं, तो आपके लिए प्रीलिम्स में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, आप इजिली प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है। लेकिन मेंस के लिए आपको एडुटैप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इनका एक बंडल जो कोर्स है कॉम्बो, वो ओपन हुआ है, 20,000 कीमत है, लेकिन 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ये, डेफिनेटली आपको 17,000 के आसपास पड़ जाएगा कॉम्बो, जिसमें सेबी ग्रेड है, आरबीआई ग्रेड भी, नाबार्ड ग्रेड है, सबके लिए है। कोर्स अपडेटेड होते रहते हैं, इनके बहुत सारे लेसन जो है वो डेली टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि इनका रिजल्ट क्या रहा है, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है। इस बार भी 200 से ज्यादा आरबीआई ग्रेड बी में जो आपका फेज 2 है एग्जाम, वो क्रैक किया है। लास्ट ईयर भी इन्होंने 25 प्लस सिलेक्शन फाइनल दिए हैं। बेसिकली इनके रिजल्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कैसा रिजल्ट रहा है, कितने लोग फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, कितने इस साल मेन्स क्रैक किए हैं, सेबी में कितने हुए हैं, नाबार्ड में कितने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने जितना भी एनालाइज किया, उसमें उनके रिजल्ट्स बाकी कोचिंग से कंपैरिजन में मुझे बेहतर लग रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी के बारे में, जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी कि आप इस एग्जाम के लिए एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट दें। सीरियस अटेम्प्ट का मतलब है प्रॉपर कोचिंग लेकर के, प्रॉपर मेहनत कर करके एग्जाम दें। जो बेसिक पे है वो है फिलहाल 35,150 रुपीज़, 35,150 रुपए के 3-5 है ये। एंड अगर हम बात करें स्पेशल अलाउंसेस की, तो वो है सॉरी 1,800 रुपीज़। एंड ग्रेड अलाउंसेस एक मिलता है, ठीक है, आईबीपीएस में या जब बैंक में एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं, तो बेसिक पे डीएनएस अलाउंसेस तो होता है, ग्रेड अलाउंस नहीं होता है हमारे वहाँ। वो ग्रेड अलाउंस है 6,800 रुपीज़ आरबीआई ग्रेड बी के लिए। देखिए, डीए जो होता है वो चेंज होता रहता है, इस टाइम जो भी चल रहा है डीए, उसके हिसाब से लगभग लगभग 24,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। बाकी सर 60% डीए चल रहा है। डीए जो होता है रिवाइज होता रहता है, जिस हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपका डीए भी बढ़ता रहता है। तो 1%, 2% इस तरह से, कभी 4% बढ़ता रहता है।
बात करें एचआरए की तो मेट्रोज में ये 15% होता है, नॉन मेट्रो सिटीज में ये थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप टीयर टू सिटीज की बात करेंगे तो वहां पर ये 9% होगा, उसके बाद टीयर थ्री में ये 8% होगा। इस तरह से एचआरए आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये एचआरए किस पे लगता है? बेसिक पे पे जो है वो लगता है एचआरए। डीएवी किस पे लगता है? बेसिक पे लगता है। तो लगभग लगभग 5,300 रुपए एचआरए जो है वो इस टाइम पर चल रहा है। ठीक है, अगर हम 15% के हिसाब से करें। एक होता है आपका लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है, एलसीए लिख दे रहा हूं मैं, लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस। ये क्या होता है? ये होता है 9% ऑफ बेसिक बेसिक पे प्लस 500 रुपीज। तो ये भी आपका लगभग लगभग 3,700 के आसपास जो है वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन आरबीआई क्या करता है अपने एम्प्लॉयज को, बेसिकली आरबीआई में देखिए ये भी एक ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको ट्रांसफर होना ही होना है। आप पूरे लाइफ में 8-10 शहर घूम लेंगे, एक शहर में अगर 3-3 साल भी रहे, 30 साल की भी आपकी नौकरी है तो आप 10 शहर घूम लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक ही शहर में आप रह सकें। तो आरबीआई अपने एम्प्लॉयज को लीज्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आप लीज पे घर ले सकते हैं। अगेन जो लीज के पैसे हैं वो भी हर शहर में अलग अलग है, लेकिन अगर मेट्रोज की बात करें तो वहां पर आप 60,000 रुपए पर मंथ तक का कोई भी घर किराए पर ले सकते हैं। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कॉलोनीज भी बहुत जगह बनवा रखी है, लेकिन उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है। जो आरबीआई की कॉलोनीज है वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतर है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो खुद का घर ले सकते हैं। इसका रेंट 60,000 पर मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए रोज में, बाकी के शहरों में थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतना होता है कि आप उस शहर में एक बहुत ही अच्छा घर ले सकते हैं। लीज अकोमोडेशन अगर आप ले रहे हैं तो ये जो आपका एचआरए वाला पार्ट है सैलरी में वो आपका कट जाएगा। भैया आपको 60,000 रुपए रेंट दे रहे हैं, आपको एचआरए फिर क्यों चाहिए? ठीक है, तो अगर टोटल की बात करें हम, टोटल सैलरी आपकी मिलाकर हो जाती है 75,000 से 76,000 के बीच में आती है, अगर हम मेट्रोस की बात ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एचआरए को इंक्लूड करके सैलरी है। आपको एचआरए अगर आप नहीं ले रहे हैं तो नॉर्मल सैलरी भी आपकी किसी भी शहर में 70,000 के आसपास होती है। तो 70,000 सैलरी बहुत अच्छी है डेफिनेटली, और एग्जाम से बहुत बेटर है। अब बात करते हैं सैलरी तो इतनी है, पर्क्स कितने हैं ये भी तो देखना बनता है। पहले हम बात कर लेते हैं वर्क की। ठीक है, सिर्फ 5 डे वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना होता है। टाइमिंग जो होती है वो 9:15 से 5:15 होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मल बैंक जैसी नहीं होती है कि भाई टाइम तो 5 बजे का है लेकिन बैठना रात सॉरी बैठना आपको रात 8 बजे तक पड़ेगा। आपको 5:15 मतलब 5:15, ठीक है, 10-5 मिनट चलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, लोन के टारगेट नहीं होते हैं, इंश्योरेंस के टारगेट नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली पब्लिक डीलिंग तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी काम है, गवर्नमेंट अकाउंट मैनेज करना, फॉरेन करेंसी को मैनेज करना, जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है देश की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ठीक है, तो डिफरेंट वहां पर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। आरबीआई के 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट आपका अलग है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अलग है, और जो बैंकिंग रेगुलेटरी का रेगुलेशन का डिपार्टमेंट अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, बाकी बैंक का जो सुपरविजन करते हैं उसका डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स मैनेज करने का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो है वो डिपार्टमेंट अलग है, आईटी का डिपार्टमेंट अलग है। तो हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट है वहां पर, 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। बेसिकली जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो चेन्नई में जो इनका स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है वहां पर आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हैं, आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, तो आप 1 महीने में 2 महीने में काफी अच्छा सीख जाते हैं, एंड साल भर में आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं। बात कर लेते हैं अलाउंसेस की। देखिए, पेट्रोल आपको मिलता है 150 लीटर पर मंथ, ठीक है, लेकिन मुंबई शहर में ये आपको 200 लीटर मिलता है, मतलब 50 लीटर एक्स्ट्रा। एंड बाकी मेट्रोज में जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, एंड बैंगलोर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको 30 लीटर एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 180 लीटर। बाकी भारत के और शहरों में आपको 150 लीटर पर मंथ पेट्रोल मिलता है, तो 150 लीटर पर मंथ पेट्रोल भी बहुत हो गया। अगर आप इसकी कीमत जोड़ लेंगे तो 10,000 के आसपास ये भी हो गया आज की डेट में, अगर आप 70 रुपीज से जोड़ेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड अलाउंसेस आपको मिलते हैं, हाउस होल्ड अलाउंसेस ये आपको मिलता है 4,000 पर मंथ, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है इंटरनेट यूज करने के लिए इंटरनेट डेटा अलाउंस, ये आपको मिलता है 500 रुपीज, ठीक है। टेलीफोन के लिए आपको मिलता है टेलीफोन अलाउंस, ये आपका होता है 1,600 पर मंथ। न्यूज़पेपर के लिए आपको मिलता है 700 रुपीज पर मंथ। गैजेट जो आप यूज करेंगे, जो भी उनके मेंटेनेंस के लिए गैजेट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है आपको 500 रुपीज पर मंथ।
सबसे बड़ी बात है वो आपको मिलता है सोडेक्सो मील कार्ड, ये आपको पर मंथ 3600 रुपए का मिलता है। 3600 रुपए पर मंथ का सोडेक्सो मील कार्ड मिलता है। आप पूछेंगे सोडेक्सो मील कार्ड क्या होता है? देखिए सोडेक्सो मील कार्ड आपका बिग बाजार में रिडीम हो जाता है, ठीक है, बहुत से हाइपर मार्केट से जहां पर रिडीम हो जाता है, मतलब 3600 रुपए की आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मील कार्ड होता है आपके डेली की जो नीड्स होती है, खाने की नीड्स होती है, वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सोडेक्सो मील कार्ड आपको 3600 रुपीज का मिलता है। ये तो हो गए आपके मंथली जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं। आप बात कर लेते हैं जो आपको एनुअल थोड़े से मिलते हैं, आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए मिलता है 6500 रुपीज पर एनम, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, 6500 पर एनम है या 8000 पर एनम है शायद ये, क्योंकि बैंक में रिवाइज हुआ है, कॉमर्शियल बैंक्स भी और आरआरबीज भी 8000 पर एनम का ही दे रही हैं। बुक ग्रांट आपको मिलता है 8000 रुपीज पर एनम, बुक परचेज करके पढ़ने के लिए 8000 पर एनम आपको मिलता है बुक ग्रांट। उसके बाद आपको ब्रीफ केस परचेज करने के लिए 5500 रुपीज मिलता है पर एनम, ये कॉमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज में भी मिलता है आपको, लेकिन वहां पे शायद 2 साल पे या 3 साल पर है, हर साल आपको नहीं मिलता है। स्पेक्टिकल्स, ठीक है, चश्मे जो आप पहनते हैं अगर, तो आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड यानी सेल्फ प्लस स्पाउस के लिए आपको मिलता है 6500 रुपीज पर पर्सन, यानी दो लोग के लिए, आप और आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर 13000 रुपए मिल जाते हैं, कब? वंस इन अ 2 ईयर, ठीक है, ये 2 साल का ब्लॉक होता है, यहाँ पर ईयर नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका फर्निशिंग, आपके अपने घर की फर्निशिंग के लिए आपको मिलता है 1,60,000 रुपीज, ठीक है, 1,60,000 रुपीज मिलता है आपके घर की फर्निशिंग के लिए। ये आपको मिलता है पर एनम नहीं, 2 ईयर में नहीं, 5 ईयर का ब्लॉक होता है इसका, भाई 5 साल में एक बार आपने फर्निशिंग परचेज कर ली। उसके बाद इसके मेंटेनेंस के लिए जो आपको ये एफआरओ मिल रहा है, इसके मेंटेनेंस के लिए आपको 12,800 रुपए पर एनम मिलता है, ठीक है। दूसरी और बड़ी चीज है एलएफसी। एलएफसी तो आपको रीजनल रूरल बैंक और आईबीपीएस में जो सिलेक्शन होता है, कॉमर्शियल बैंक्स में, वहां भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। वहां पर आपको सेकंड एसी का फेयर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्लाइट का फेयर मिल जाता है, वहां पर आपको लोकल घूमने का फेयर नहीं मिलता है, वहां पर वो चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है, तो बहुत चीजें वहां पर एक्स्ट्रा है। तो ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपए आपको पर एनम जो है मिलता है। ये किसके किसके लिए मिलता है? ये आप और आपके डिपेंडेंट के लिए मिलता है, यानी यहाँ पर हो जाता है सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रेन, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4 लोग के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप 6, 7, 8 लोग जा रहे हो, मैक्सिमम 4 लोग के लिए मिलता है। तो ये आपका अलाउंसेस हो गए ढेर सारे, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुए हैं। आपके अगर बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनके एजुकेशन एक्सपेंस के लिए आपको 4000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड आपको मिल जाता है, लेकिन ये भी अगेन मैक्सिमम 2 चाइल्ड के चाइल्ड के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लें, ये आपका होता है एजुकेशन एक्सपेंस, ठीक है, जो आप उनपे खर्चा करेंगे। साथ में आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं, कहीं आप पढ़ने जाना चाहते हैं इन इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए, तो यहां पर आपको 2 साल के लिए छुट्टी मिल जाती है आरबीआई से विद पे। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कटेगी, आपको 2 साल की सैलरी मिलेगी, आपको बैंक सैलरी पे करेगी, आप बाहर जाइए और पढ़ने के लिए आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी देश में हायर स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 2 ईयर्स की लीव विद पे आपको आरबीआई प्रोवाइड करता है। बाकी जो लोन्स की फैसिलिटी है वो सेम आपकी जैसी कॉमर्शियल बैंक्स में होती हैं, आरआरबीज में होती हैं, वो तो आपको मिलेंगी ही, अमाउंट ज्यादा हो जाता है आपका, जैसे आपका बेसिकली जो सैलरी होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका हाउसिंग लोन कितना मिलेगा, कार लोन कितना मिलेगा, उसी हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड होता है। तो जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे, आपकी वहां पर जो मैक्सिमम लोन का अमाउंट है बढ़ता जाएगा, हाउसिंग लोन, कार लोन, कंप्यूटर लोन, एजुकेशन लोन, बहुत से लोन आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आरबीआई के हॉलिडे होम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप ये बहुत ही अच्छे होते हैं, होटल्स टाइप के होते हैं, आप घूमने जाते हैं किसी भी शहर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, वहां पर अगर आरबीआई का हॉलिडे होम्स है, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी पैसा पे करना नहीं होगा। साथ में एनुअल हेल्थ चेकअप भी आपका और आपके स्पाउस का जो है ईयरली होता है अच्छे हॉस्पिटल्स में, एंड मेडिकल फैसिलिटी तो होती ही है, आपका कोई इलाज होता है तो वो अमाउंट जो है वो रिम्बर्स कर दिया जाता है, वो तो आरआरबीज में, आईपीएस में, किसी में भी हो जाता है।
रहने के लिए जो घर होते हैं आरबीआई के, वो 2-3 BHK फ्लैट्स होते हैं, मेनली मेन सिटी सेंटर में होते हैं, और अगर आप लीज पे लेना चाहते हैं तो लीज पे भी ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रमोशन की। तो देखिए, आप जो एज ए ग्रेड बी ऑफिसर जाते हैं, ये पोस्ट होती है मैनेजर की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद आता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ठीक है, इसके बाद आपका आता है जनरल मैनेजर, इसके बाद आपका आता है चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, ये आपके प्रमोशन के हैं। वैसे इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर की पोस्ट तक आप प्रमोट होकर पहुंच सकते हैं। गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो प्रमोशन से नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है गवर्नर को। ठीक है, वो प्रमोशन से पहुंचने की पोस्ट नहीं है। तो ये कंप्लीट डिटेल है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो सैलरी मिलती है ग्रेड बी ऑफिसर को, प्लस जो पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स एंड सैलरी, अगेन सैलरी आपकी प्रमोशन के साथ इंक्रीज होती रहती है, चीजें बढ़ेंगी ही, चीजें घटेंगी नहीं। किसी भी रीजन से अगर आपको ये लग रहा है कि इतने पर्क्स एंड अलाउंसेस आप भी पाना चाहते हैं, एक बार आप इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन में लग जाइए। 2019 का आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जुलाई अगस्त के महीने में होगा, बहुत टाइम नहीं है। फटाफट जाइए एडुटैब की वेबसाइट पर, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कोचिंग को ज्वाइन करिए एंड सीरियस पढ़ाई में लग जाइए। सिर्फ ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होगा, ज्वाइन करने के बाद आपको सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। एंड अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर लेंगे तो चांसेस हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी रीजन से अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।